न्यूज़ ऑल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरदोई जिले में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। दरअसल मूंगफली के खेत में फसल की रखवाली करने गए किसान की हत्या कर दी गई। देर रात घर न जाने पर उसके पिता खेत पर चाय लेकर पहुंचे, जहां उनका बेटा चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ा था। शरीर पर गले के अलावा कई जगह पर गहरे घाव मिले। मृतक के पिता ने बताया कि उनके बेटे का मंगलवार को गांव निवासी एक व्यक्ति से विवाद हुआ था, जिसने गला काटने की धमकी भी दी थी। एसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। केशवचंद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक हरदोई। आज थाना पक्ष देवरा जनपद हरदोई के ग्राम हिलसर हेलन में बबलू सन ऑफ राजकुमार सिंह की हत्या हुई है, जिसके संबंध में इनके पिताजी द्वारा एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मृतक के गर्दन पर और माथे पर धारदार हथियार की चोट थी। पंचायतनामा तैयार करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे बेरोजगार युवाओं से रूबरू कराते हैं, जो अपने दम पर क्षेत्र में एक नया और उत्कृष्ट कार्य करने का मन बना चुके हैं। आइए आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल रूपकुंड, आलीवेदनी बुग्याल, मोनाल टाप, ग्वालदम, सिद्धपीठ माँ बधाणीगढ़ मंदिर, लाटू देवता धाम, कुसानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, कैलाश पर्वत धाम, विश्वख्यात यात्रा मार्ग पर जहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, यहाँ इसी मार्ग पर एक जगह चमोली के कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर स्थित है मलतुरा। यहाँ पर पिंडा नदी और उसकी सहायक छोटी नदी के किनारे रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान है मलतुरा। यहाँ पर कुछ बेरोजगार युवाओं ने अपने दम पर यात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाले होमस्टे के साथ साथ प्राकृतिक छटाओं के बीचों बीच स्विमिंग पूल की भी लाजवाब अभिनय प्रयोग करते हुए व्यवस्था की है। जनपद में पहला प्रयोग है जहाँ पर्यटकों को होमस्टे के साथ स्विमिंग पूल की भी सेवाएं दी जा रही है। इन बेरोजगार युवाओं के अभिनय प्रयास को नजदीक से देखने के लिए स्थानीय विधायक भी अपने लाल लश्कर के साथ मौके पर मौजूद नजर आए। उन्होंने युवाओं की सोच और प्रयास की काफी सराहना की। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि पर्यटन विभाग और सरकारी सहयोग चाहेंगे तो सरकार द्वारा संचालित हर योजनाओं का लाभ युवाओं को दिलाया जाएगा। ये ख्याल लाना, ये आइडिया लाना सबसे एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटीज है हम लोगों के लिए अपने कल्चर को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे लोग तो यूजुअली आते ही हैं माउंटेन्स में अपना हॉलीडेज पिकनिक मनाने के लिए, तो ये उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। जंगलों के बीच में स्विमिंग पूल, ये तो बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है सभी के लिए। और मैं यही एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ कि जो भी यहाँ पे लोग पर्यटन आएंगे नए, तो उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। और जो यहाँ पे बाकी एम्बियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, इनमें जो ये पेड़ों के बीच में। वैसे डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पर कभी कभी धरती के भगवान कहे जाने वाले कुछ डॉक्टर्स द्वारा ऐसे कृत्य कर दिए जाते हैं जिससे डॉक्टर पर से ही विश्वास उठ जाता है। ऐसे कई मामले हैं जिससे डॉक्टरों द्वारा मरीजों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है जो बिल्कुल मानवता को शर्मसार कर देता है। ताज़ा मामला मैनपुरी के शौसैया महिला जिला अस्पताल का, जहाँ एक गरीब गर्भवती महिला को ये कहकर अस्पताल से बाहर कर दिया गया कि उसका खून सिर्फ 4 पॉइंट है। बाहर निकाली गई गरीब गर्भवती महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। देखते देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ में से किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना की जानकारी होते ही सीएमओ डॉक्टर आशीष गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही। जिला महिला अस्पताल में लापरवाही और मनमानी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। मुझको भी थोड़ी देर पहले ही इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबर मिली इस खबर के बारे में, और मैं अभी तुरंत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात करूंगा वहां के कि क्या पूरा प्रकरण है, तभी इसके बारे में पूरी जानकारी दे पाऊंगा। सर, सुनने में आ रहा है कि उसको रेफर भी कर दिया गया था एटा के लिए। अगर रेफर भी करना था तो उसको 102 108 एम्बुलेंस सरकार के द्वारा दी गई, उसके द्वारा रेफर किया जाना चाहिए था, ना कि मरीज अपने आप खुद जाएगा। उसको प्रॉपर वे में रेफर किया जाना चाहिए था। इसकी भी जांच की जाएगी किस तरह रेफर किया गया, मरीज किस तरह बाहर अपने आप आ गया वहां से। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज जिले के नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा मंगलवार को क्षेत्र के रघुनायक इंटरमीडिएट कॉलेज के पास खंडहर में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 14 अवैध निर्मित, अर्धनिर्मित और 7 अवैध कारतूस के साथ शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अनुज पांडे पुत्र उमेश चंद पांडे ग्राम जमालपुर थाना और दूसरा अजीत मिश्रा उर्फ नानपुर सज्जन लाल मिश्रा निवासी ग्राम बचौली। देखिए, दिनांक 21 मई 2024 को आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत निरंतर प्रयागराज कमिश्नरेट में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत एसीपी सुराव के नेतृत्व में और थाना प्रभारी नवाबगंज के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री
को चलाते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहां से 8 अवैध निर्मित शस्त्र, 6 अर्ध निर्मित शस्त्र और 7 जिंदा कारतूस और साथ ही साथ जो अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण होते हैं वो वहां से बरामद हुए हैं। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। रायबरेली की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बिखौफ चोरों ने घर के बाहर खड़ी स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप है। चोरी की घटना हालांकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सरफा बाजार से सोनार गली की पूरी घटना। रायबरेली में गंगा में नहाते समय गहरे पानी में जाने से नाबालिग भाई बहन डूबे। भाई बहन के गंगा में डूबने से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश में जुटी है। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रालपुर स्थित गंगा घाट का है, जहां पर राजम 14 साल, उसकी छोटी बहन सेजल और जो दूसरा शख्स था वो पूर्वा थाना सरेनी गंगा में नहाते समय गहरे पानी में डूब गए। भाई बहन के डूबने से वहां हड़कंप मच गया। परिजनों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। संभल सदर इलाके में कोल्ड ड्रिंक समझ कर 10 साल की बच्ची ने जहरीला पदार्थ पी लिया। जहरीला पदार्थ पीने से बच्चे की हालत बिगड़ गई। आनंदपानी में परिजनों से लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर से मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा है। संभल जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में संभल आदमपुर मार्ग निवासी आसिफ फेरी लगाकर घरों और दुकानों से कबाड़ खरीदने का काम करते थे। बता दें कि बीते दिन आसिफ किसी मेडिकल से कबाड़ में गंदी दवाई से भरी प्लास्टिक की बोतलें लेकर आया था। आसिफ ने कबाड़ को अलग अलग करते समय प्लास्टिक की बोतल को खाली करने के लिए उसका पदार्थ कोल्ड ड्रिंक की खाली पड़ी बोतल में भरकर रख दिया। इस दौरान आसिफ अपने काम पर लग गया। इसी बीच अचानक आसिफ की 10 साल की मासूम बच्ची वहां पहुंची। उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरे पदार्थ को ठंडा समझकर पी लिया। कोल्ड ड्रिंक समझकर जिला पदा पीते ही साइना की हालत बिगड़ गई। बेटी की हालत बिगड़ने पर परिवार में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भीषण गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन अलर्ट है। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए हुए बचाव कार्य। लखनऊ चिड़ियाघर प्रशासन ने बचाव कार्य के जानवरों के स्थान के आसपास पानी का छिड़काव हुआ। पिंजरों के आसपास हवा के लिए लगाए गए कूलर, जानवरों के पीने के पानी और हवा के लिए बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं। दलित परिवार के घर पर किया दबंग भूमाफिया ने कब्जा। दबंगों ने पीड़ित दलित परिवार का सारा सामान घर से बाहर निकालकर फेंक दिया। दलित परिवार ने 1 साल पहले ही लिया था दबंग प्रधानपति से उधार 60,000 रुपए। 6 महीने बाद भी पीड़ित ने उधार लिया, रुपया वापस लौटा दिया। आरोपी ने पैसा वापस लौटाने के बाद पीड़ित पर 10% ब्याज लगाकर 1,20,000 रुपए की करने की मांग की है। पैसा वापस न करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज मारपीट कर मकान पर कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस सहित अधिकार से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार 16 मई से अधिकारियों को चक्कर लगा रहा है। पीड़ित परिवार ने न्याय पाने के लिए इसके कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। थाना न्यूरिया इलाके के जनकपुरी औरैया गाँव का ही पूरा मामला। वो जो कह रहे थे हमसे तुमने पैसे लिए साहब, थोड़े पैसे लिए हमने वापस कर दिया। उनने जो हमें मारपीट करी, दरवाजा तोड़ दिया दक्षिण किनारे साहब हमने, और साहब हम बहुत मारपीट करके रोड पर हमारी सामान फेंक दिए। हम बाहर बैठे थे और भीतर डंडा लेते खड़े हैं साहब, और हम अंदर नहीं जा पा रहे साहब, बहुत परेशान कर रहे हैं। प्रेम शंकर नाम है, बता रहे हैं पैसे लिए साहब, और परिवार से जाते हैं साहब, वो जगह के बता रहे हैं साहब, उल्टा सुधर उनने आडी उडी हमारे लगे। तो आपने पैसा लिया नहीं साहब? मैंने नहीं लिया साहब, मैंने जो थोड़े पैसे लिए वापिस कर दिया साहब, हम मान नहीं रहे। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने मोबाइल टावर से महंगे उपकरणों को चोरी करने वाले 50,000 के 3 नामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि इस गैंग के सरगना से 4 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कर रही है। गौरतलब है कि गाजियाबाद क्राइम ब्रांच लगातार मोबाइल टावर्स पर लगे महंगे उपकरणों की चोरी में संलिप्त बदमाशों को धरपकड़ लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें कि ऐसे मोबाइल टावर से चोरी किए गए करोड़ों सामान की रिकवरी गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने की है। इस बार गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से तकरीबन 60,00,000 रुपए के मोबाइल टावरों में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 3 मई को जो है एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जो मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी किया करते थे, जिसमें कुल 13 अभियुक्त उस गैंग में थे, जिसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी नंदगांव थाना क्षेत्र से की गई थी तथा 7 अभियुक्त वांछित चल रहे थे। उसी क्रम में हमारी क्राइम ब्रांच टीम लगातार लगी हुई थी और फिर जो है 3 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि जो 7 अभियुक्त बचे थे सब पे 50,000 के इनाम घोषित हो गया था, तो टीम लगातार अपना काम कर रही थी और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक अल्ताफ है जो मेन मोबाइल टावर से चोरी करता है, दूसरा नईम मलिक है कबाड़ी का काम करता है, तीसरा वसीम मलिक है। सहारनपुर के गंगोह में दिनदहाड़े छात्रा को उतारा मौत के घाट। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। युवती का शव मिलने से पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। थाना गंगोह क्षेत्र अंतर्गत सैनी रिजॉर्ट के पीछे खाली पड़े प्लॉट में युवती का शव मिलने से सूचना पर सहारनपुर के SP विपिन ताड़ा,
एसपी देहात सागर जैन, सीओ गंगू और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। गंगू थाना क्षेत्र में आज सुबह एक युवती का शव मिला जिसकी की हत्या किया जाना प्रतीत हुआ था, जिस पर की पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और सभी आला अधिकारी मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। कई हमको ठोस साक्ष्य मिले हैं घटनास्थल पर, आसपास के सीसीटीवी कैमरा भी दिखवाए जा रहे हैं। कुछ संदिग्ध हैं जिनके नाम सामने आए हैं, परिजनों से उस बारे में बात की गई है और जो तहरीर दी जा रही है और जो अन्य साक्ष्य हैं सीसीटीवी हैं उसके आधार पर घटना का शीघ्र अनावरण कर जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक का निरीक्षण, जिला अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण कर दिए निर्देश। हीट वेव से बचने के लिए कोल्ड रूम को देखा है। अस्पताल में गंदगी देख नाराजगी जताई, वार्डों के इसे खराब होने पर सही करने के निर्देश दिए। पेयजल व्यवस्था सही पाए जाने पर प्रशंसा जताई है। चित्रकूट धाम मंडल के संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक हैं डॉक्टर अभय सिंह। आगरा में बीते दिनों औषधि विभाग के द्वारा आगरा की फवारा मार्केट में छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें इस दौरान शिव मेडिकोज, हर्षित मेडिकोज स्टोर, महामृत्युंजय लाइफ साइंसेज के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान कई जिलों की औषधि विभाग की टीम शामिल थी और छापे के दौरान बड़ी मात्रा में संदिग्ध दवाइयों को भी सील किया गया। नकली होने की आशंका के चलते कई दवाओं के नमूने भी कलेक्ट किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा जो नमूने लिए गए थे उसमें लगभग 39 प्रकार दवाइयाँ अधोमाला पर नकली पाई गई हैं, जिसमें काफी नामी ब्रांड कंपनियों के भी प्रोडक्ट बना के बेचे जा रहे थे। अभी तक लगभग 12 दोषी व्यक्तियों फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करके उन पर मुकदमा किया जा चुका है, बाकी की व्यवस्था की जा रही है। विभाग इस पर बड़ा ही सतर्क है कि आगरा में नकली और अधोमाला दवाएं ना बिकने पाए, इसलिए निरंतर छापेमार कार्रवाई की जाती है और संदिग्ध होने पर उनके नमूने लिए जाते हैं। सोनभद्र में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा 21 तारीख को चेकिंग के दौरान तेंदू पुल से कुम्हारडीही मार्ग पर पुलिया के पास से एक पिकअप वाहन से 9 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। मौके से दो नफर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि वो लोग गांजा और गौ तस्करी का धंधा करते हैं। बिहार से जब खाली कोरा प्रयागराज जाते हैं तब वाहन में गांजा लेकर जाते हैं, जिसे बेचकर रास्ते का खाना खर्चा और वाहन के तेल पानी का काम चलता है और प्रयागराज से वापस लौटते समय वाहन में गौवंश पशु लादकर ले जाते हैं, जिनको बिहार के मंडी में बेच देते हैं, जिससे काफी कमाई होती है। जिला अस्पताल में गर्मी से निजात के लिए कूलर लगाए गए हैं। पब्लिक प्लेस पर जगह जगह कूलर लगाए गए। बढ़ते तापमान को लेकर जिला अस्पताल में कूलरों की गई व्यवस्था। जिला अस्पताल में 12 कूलर लगाए गए, तीमारदारों को अब गर्मी से राहत मिलेगी। आगरा में गर्मी कर रही लोगों का हाल बेहाल। आगरा डीएम भानुचंद गोस्वामी के आदेश पर जिला अस्पताल में कूलर लगाए गए। रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 48 घंटे के अंदर हत्या के दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया है आला कत्ल के साथ। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के जफरपुर गांव का, जहां रविवार को बाजार से लौटते समय प्रदीप कुमार जफरपुर बाजार से शाम लगभग 6 बजे वापस आ रहे थे, तभी रास्ते पहले से घात लगाए लगभग आधा दर्जन दबंग अपराधियों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। युवक बचाव के लिए चीखता रहा लेकिन दबंग अपराधियों ने लाठी डंडों से युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक प्रदीप के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी और आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है। मधुकर पंजीकृत हत्या के एक मामले में थाना स्थानीय पुलिस के द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से आला कत्ल भी बरामद हुआ है जो कि लकड़ी का बंटी है। दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में नियमानुसार भेज दिया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई कराई जा रही है। आगरा में एक कपड़ा मार्केट में भीषण आग लग गई। दो दुकानें भीषण आग की चपेट में आई। आग लगने से बाजार में अफरातफरी का माहौल, आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सिलेंडर फटने की भी कहीं ना कहीं सूचना आ रही है। सिंगी बाजार कपड़ा मार्केट का ही पूरा मामला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।